Hello and uh, very good morning to all. This is me, Rahul Tharatwaj, and I welcome you all to let Crack UPSC CSE. All of you are welcome to the class. Please let me know that I'm audible. Am I audible, guys? So, let's begin here and uh, see what are the important takeaways. Uh, make sure that you follow me on this link to get access of all the free classes. Uh, Kalap ki free classes rehengi fine. तो so, उसके लिए आप मुझे इस लिंक पे फॉलो कर लीजिए एंड नए आपके बैच कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं फाइन आपका फिफ्थ ऑफ मे से ये बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है हर आपके वीक नए बैच कोर्स स्टार्ट होते हैं सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज बैच कोर्सेज एज वेल Uh, ये फॉर इन वन ऑफर आपका वैलिड है जिसमें ट्वेंटी बुक्स जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया गया है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है और सब्सक्रिप्शन जो अभी आप ले रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर जैसे एक साल का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं मई के अंदर तो ये जुलाई थर्टी फर्स्ट तक वैलिड रहेगा फाइन सिमिलरली कैन ऑफ फॉर ओके दिस लोन फैसिलिटी एज वेल लोन फैसिलिटी के लिए भी आप जा सकते हैं अभी ठीक है वॉल्यूम नाट शुड बी फाइन सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना प्लान चूज़ कीजिए एंड देन पुट द कोड आर बी लाइव टू गेट टेन परसेंट ऑफ एंड पर्सनलाइज गाइडेंस सिमिलरली यू कैन ऑफ फॉर आइकॉनिक विद एडेड बेनिफिट्स ऑप्शनल के लिए आप जा सकते हो ऑलमोस्ट ऑल द ऑप्शनल्स आर अवेलेबल फाइन जी प्लस ऑप्शनल दोनों को आप कंबाइन भी कर सकते हो कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी आप यहाँ पर मुझे रीच आउट कर सकते हो पीडीएफ सेशन की यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है इवनिंग तक आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा लोन फैसिलिटी के लिए ये लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप अप्लाई कर सकते हैं स्टार्ट करेंगे फर्स्ट न्यूज़ से जो कि इकोनॉमी से है दिस इज अबाउट द पल्सेज़ है ना गवर्नमेंट जो है सेल्फ सफ़िशिएंसी ऑलमोस्ट हमने अचीव की है बट स्टिल इंडिया जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर है पलसेज का दालें जो होती हैं है, है ना? दालों की हम बात कर रहे हैं एंड दालों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सो so, उस कॉन्टेक्स्ट में आप अगर देखोगे तो इंडिया जो है अगर आप देखते हैं दालों को तो लार्जेस्ट आपका है बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है अगर हम प्रोडक्शन की बात करें ऑलमोस्ट ओके वन क्वार्टर मतलब ट्वेंटी फोर परसेंट की हो जाएगा ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में जितना पल्सेस का प्रोडक्शन है उसका ट्वेंटी फोर परसेंट तक हम यहाँ पे इंडिया में कर रहे हैं अकेले ठीक है और uh, इंडिया यहाँ पे चाह रहा है कि हम सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करें तो इंडिया ने बहुत इंप्रूवमेंट भी किया है अगर आप देखोगे 2007 से कंपैरिजन करोगे इंडिया का 2007-8 से अगर इंडिया को कंपेयर कर रहे हो तो आज की तारीख में आपका कंपैरिजन अगर ये देखते हो पिछले 12-13 साल में तो ये 65 परसेंट का इंक्रीज़ शो कर रहा है ना हमने अपनी दालों का जो प्रोडक्शन है वो सिक्सटी से इंक्रीज़ किया है तो ये छोटी बात नहीं है डेफिनेटली uh, बहुत अच्छा यहाँ पे हमने किया है तो क्या रीज़न रहे क्यों हमने यहाँ पे अच्छा किया और क्या कर सकते हैं ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे देखिए आगे मूव करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूँ गवर्नमेंट अभी खरीफ क्रॉप पर फोकस कर रहा है खरीफ क्रॉप पर फोकस करने का मतलब है खरीफ क्रॉप आपकी ऐसी होती हैं जिनको आप मानसून क्रॉप्स भी कह देते हैं मानसून सीजन जैसे अभी चल रहा है तो अभी इनकी बुआई स्टार्ट हो गई है ना सोइंग सीजन अभी स्टार्ट होगा इनका स्पेशली आप देखोगे जून तक आ, या कई बार जुलाई तक भी इनको सो किया जाता है इनकी बुआई की जाती है और ज, आ, नवंबर में विंटर जैसे जैसे आता है इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो इन्हें हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स क्लियर खरीफ क्रॉप इनको कहा जाता है और यहाँ पे आप देखोगे कौन कौन सी खरीफ क्रॉप में है तो सबसे बड़ा जो क्रॉप है मेन क्रॉप है वो तो राइस है आपका खरीफ के अंदर क्लियर इसी तरह से आपका जवार है मेज जो मक्का होता है वो इसमें आएंगे मिलट्स इसमें आएंगे सीड प्लांट में आप देखोगे ऑलमोस्ट ऑल द ओके दीज पल्सेज एंड ऑल जैसे मूंग है आपका ब्लैक ग्राम भी यहाँ पे है तो ये हैं लेकिन आप पल्सेज में एक चीज नोटिस करना ओके okay, पल्सेज जो हैं uh, दालें हैं ये कुछ जगह पे कुछ एरियाज में खरीफ के रूप में uh, ग्रो की जाती हैं कुछ एरियाज में रबी के रूप में ग्रो की जाती हैं जैसे ये बीन है यहाँ पे भी है ब्लैक ग्राम है क्लियर तो ये आप तो देखोगे उड़द बीन है मूंग बीन है ये आपके खरीफ क्रॉप में भी आ रहे हैं और यही रबी क्रॉप में भी आएंगे रबी क्रॉप मतलब जो गेहूं होता है आपका है ना रबी क्रॉप होती है विंटर विंटर सीजन के अंदर इनको सो करते हैं और फिर इनकी हार्वेस्टिंग होती है जैसे होली के आसपास है वही तो स्प्रिंग सीजन में इनको हार्वेस्ट हम कर लेते हैं तो आप देखोगे ये उड़द बीन यहाँ पे भी है मूंग मूंगबीन्स यहाँ पे भी है तो अलग अलग एरियाज में काफ़ी सारी क्रॉप्स हैं जिनको कुछ जगह पे रबी के फॉर्म में उगाया जाता है कुछ जगह पे खरीफ के फॉर्म में उगाया जाता है सो so, ये रबी खरीफ वाला याद रखना क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है यूपीएससी ने प्रबल्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़ें इनकी एक लिस्ट बना लेना जो मेजर खरीफ क्रॉप्स है वेजिटेबल्स याद ना रखें तो चल जाएगा काम बाकी मेजर सीरियल्स याद रखिए पलसेज याद रखिए है ना और मिलट्स याद रखना है आपको है ना ऑयल सीड भी याद रखेंगे चलिए देखिए इंपॉर्टेंस क्या है पलसेस का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि इंडिया एक तरह का लैक्टो वेजिटेरियन कंट्री है लेक्टो वेजिटेरियन कंट्री का मतलब है हम दूध के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं फाइन और इस वजह से न्यूट्रिशन का इशू रहता है न्यूट्रिशन का इशू है और मिल्क के अलावा हमें प्रोटीन के सोर्सेज और भी चाहिए तो वहाँ पे पलसेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पलसेज पे हमारा इंपोर्ट का जो डिपेंडेंस है वो रिड्यूस हो रहा है और इसकी वजह से हमें सेविंग होगी है ना अगर हम सेल्फ सफिशियंट हो जाते हैं बाहर से इम्पोर्ट करना बंद कर देते हैं बीच में आपने देखा होगा इशू चला था जहां पे हमें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा था पल्सेस को क्लियर सो so, इस कॉन्टेक्स्ट में है कि हमारे लिए सेविंग रहेगी अराउंड फिफ्टीन थाउजेंड करोड़ पर ईयर का ये भी है और डेफिनेटली न्यूट्रिशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन रिच इन द प्रोटीन स्पेशल इन द कॉन्टेक्स्ट कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक बहुत पीछे रही है उस कॉन्टेक्स में ये न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पलसेस हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है ओके फूड बास्केट का इंपॉर्टेंट पार्ट है जब भी हम कहते हैं दाल रोटी की बात होती है सो so, वी आर टॉकिंग अबाउट द दाल फाइन पल्सिस हैव लो वाटर कंज्पन एंड कैन ग्रो इन द ड्राई एंड रेनफीड area. अब ये बहुत ही अच्छी बात है देखिए पल्सेज का वाटर कंजम्प्शन कम है फीड एरिया के अंदर भी ग्रो कर सकती है मतलब इनको इरिगेशन फैसिलिटी नहीं मिल रहा है तो भी ये ग्रो कर जाएगा मतलब केवल बारिश के पानी पे ही डिपेंड होके ये क्रॉप आपको दे जाता है क्लियर और सॉइल के लिए भी अच्छा है नाइट्रोजन फिक्सेशन एट्सेट्रा सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है तो वो फर्टिलाइजर की डिमांड को भी कम कर रहा है ठीक है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को भी कम कर रहा है तो एनवायरमेंट के भी बेनिफिट हैं हेल्थ के भी बेनिफिट हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट हैं इसलिए हम यहाँ पे इतना कर रहे हैं न्यूट्रिशनल और ये सब तो आ ही गया है आपका कैसे हमने ये 65 परसेंट का जो है अचीव किया है इंक्रीज है ना अभी और हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो कुछ मेजर स्ट्रेटजीज़ हैं गवर्नमेंट कह रही है कि पहले सबसे सिंपल बात तो यही है कि हमने जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है ना पहले इतने एरिया में कर, आपका पल्स हो रहा था अभी हमने एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ा दिया तो जब एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ेगा है ना अब क्या है जितने एरिया में कल्टीवेशन हो रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देना पर हेक्टेयर कितना आपका प्रोडक्शन है है ना उसे हम कहेंगे प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को भी आप बढ़ा रहे हो एरिया अंडर कल्टीवेशन भी बढ़ा रहे हो तो आपका क्या है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों एरिया में आप फोकस कर रहे हो मतलब एरिया एक्सपेंशन भी कर रहे हो और उसी पर्टिकुलर एरिया में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा रहे हो दोनों चीज़ों पे गवर्नमेंट फोकस कर रहा है दो पॉइंट यहाँ पे आपको मिले हैं नेक्स्ट है गवर्नमेंट कहती है फर्स्ट क्या हो गया प्रोडक्टिविटी सेकंड है एरिया अंडर कल्टिवेशन थर्ड पॉइंट है कि हमने बजटरी आउटलेट्स बढ़ाए हैं और हम स्पेशल प्रोग्राम पर फोकस कर रहे हैं इसे देखते हैं स्पेशल प्रोग्राम का मतलब है गवर्नमेंट कह रही है ऐसे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हम फोकस कर रहे हैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पल्सेस uh, की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है कम है वहाँ पे हम स्पेशल एक्शन प्लान बना रहे हैं उनके लिए कुछ इस तरह से स्पेशल अरेंजमेंट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव हम अरेंज कर रहे हैं क्लियर तो ये सब चीज़ें आपने स्पेशल एक्शन प्लान के अंडर में लिया हुआ है उसके लिए गवर्नमेंट ने पैसा भी ज़्यादा दिया बजटरी आउटले भी गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाया गया है तो इसका भी रिजल्ट देखने को मिला है क्यों क्योंकि ये जो ऑलरेडी uh, कोई एरिया है अंडर कल्टिवेशन है मान लीजिए ये एरिया अंडर कल्टिवेशन है लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी कम है तो अब ये स्पेशल एक्शन प्लान डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप फोकस कर रहे हो तो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जब प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर बढ़ रही है तो डेफिनेटली प्रोडक्शन भी बढ़ेगा क्लियर आगे हम बात करें गवर्नमेंट कह रही है कि और हमने इनिशिएटिव लिए हैं एफ के फॉर्म में एफ क्या होते हैं अब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें मान लीजिए टेन फिफ्टीन फार्मर है या ज़्यादा जितने भी फार्मर्स हैं उन्होंने एक अपना ग्रुप टाइप बना लिया उसको कंपनी में रजिस्टर करा लिया फिर वो इस तरह से अपने रिसोर्सेज को पूल करके और फिर प्रोडक्शन करते हैं तो उसके इनपुट मतलब देने में भी थोड़ा एबल हो जाता है फार्मर क्योंकि जनरली क्या है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है इंडिया में 85 परसेंट जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं स्मॉल मार्जिनल फार्मर का मतलब होता है अगर उनका लैंड एरिया दो हेक्टेयर या उससे कम है ठीक है दो हेक्टेयर उससे कम अगर उनका एरिया है तो उनसे हम कहते हैं स्मॉल मार्जिनल फार्मर अब इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं इतनी बड़ी लैंड भी नहीं होती है कि कुछ इनोवेशन कर सकें कुछ नए इनपुट्स डाल सकें तो ये जब एक साथ अपने रिसोर्स पूल करके आते हैं तो डेफ़िनेटली उसका फ़र्क पड़ता है तो एफ पी ओ इज़ ऑल्सो हेल्पफुल गवर्नमेंट कह रही है कि हमने एफ पी ओ के थ्रू भी पल्स प्रोग्राम चलाए हैं और उससे हेल्प आपकी मिल रही है विथ ऑल दीज इनिशिव ये जो हमने डिस्कस कर रहे हैं किए हैं है ना गवर्नमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो हमें फ़ायदा हुआ है द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो हुआ है हमें फोकसिंग ऑन द प्रोवाइडिंग क्वालिटी सीड टू द फार्मर्स ये सबसे इम्पॉटेंट है ये फिफ्थ पॉइंट है आपका लेकिन अगर एग्जाम में आपको लिखना है तो इसको सबसे पहले या सेकेंड नंबर पर लिख देना है ना सेकेंड नंबर मतलब आपने प्रोडक्टिविटी वाला लिख दिया एरिया अंडर कल्टिवेशन लिख दिया थर्ड पर इसे ले सकते हो लास्ट में मत लिखना है इसको क्योंकि ये बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर है देखिए जब आपकी क्वालिटी सीड्स की क्वालिटी बढ़ेगी हाई यील्डिंग वैरायटी वाले सीड आप यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्शन बढ़ना ही बढ़ना है क्योंकि इंडिया का जो ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति की हम बात करते हैं उसमें सक्सेस का इंडिया का एक रीज़न ये भी रहा कि इंडिया ने हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को यूज़ किया था तो गवर्नमेंट यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट कर रही है चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र की के हेल्प से हो गवर्नमेंट ने पल्स पल्स सीड हब बना रखे हैं इनको आप मैंशन कीजिए ब्रीडर सीड प्रोडक्शन सेंटर आपने बना रखे हैं फाइन ताकि इस तरह की वैराइटीज डेवलप की जा सकें और उनको फार्मर्स तक पहुंचाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र अजनो सो so, जो प्रेजेंट स्ट्रेटजी है अभी गवर्नमेंट कह रही है उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी हाई यल्डिंग वैरायटी के ऊपर फोकस करेगी ठीक है ये हम बात कर ही चुके हैं एफपीओ का रोल क्यों है क्या है दिस स्टेप विल अनेबल फार्मर फॉर सीड प्रोडक्शन अब जैसे एफ पी ओज है तो सीड प्रोडक्शन परचेज एक्सेस ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी ये सब कर सकते हैं क्लियर नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है दिस इज अबाउट द बद्रीनाथ धाम बद्रीनाथ धाम को डेवलप किया जा रहा है स्परिचुअल स्मार्ट हिल टाउन के रूप में स्पिरिचुअल स्मार्ट हिल टाउन के रूप में <coughs> Uh, देखिए क्या क्या वहाँ पे एक्टिविटीज़ ली जा रही हैं तो ये आप इनपुट यहाँ पे ले सकते हो अगर कोई केस स्टडी है वहाँ पे भी इनपुट दे सकते हो कि कैसे हम जो हिल टाउन्स हैं हिल टाउन्स हैं उनको स्मार्ट बना सकते हैं ना ऐसा क्वेश्चन होता है क्योंकि जनरली ऐसा तो पूछेगा नहीं बद्रीनाथ धाम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये टॉपिक टॉपिक हम क्यों ले रहे हैं सो दैट यू कैन गेट द इनपुट्स इफ देर इज़ अ क्वेश्चन कि हिल टाउन को कैसे बेटर कर सकते हैं स्परिचुल टाउन से उनको कैसे बेटर कर सकते हैं स्मार्ट बना सकते हैं तो इन्होंने कुछ यहाँ पे इनिशिएटिव मेंशन किए हैं जैसे कि आपका रिवर एम्बेंकमेंट बनाए जाएंगे है ना इससे क्या होगा सेफ्टी बढ़ जाएगी थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी रहेगा फ्लड एस एक्सेट्रा के अंदर बिल्डिंग ऑल टेरेन व्हीकूलर पाथ है ना ऑल टेरेन व्हीकुलर पाथ जो कि सभी मौसम में सड़कें ऐसी काम कर सकें वो आप बनाएंगे क्योंकि कनेक्टिविटी का इशू रहता है हिल एरिया है ना इसलिए बिल्डिंग द ब्रिजेज ब्रिजेज से आप कनेक्ट कर रहे हो क्यों क्योंकि ये एरिया इस तरह का है हिल्स के ऊपर है और रिवर्स यहाँ से आपकी काफ़ी मूव कर रही हैं ओके वाटर स्ट्रीम्स काफ़ी हैं ब्यूटीफाइंग द एग्जिटिंग ब्रिजेज एस्टेबलिशिंग द गुरुकुल फैसलिटी विथ एकोमोडेशन अब गुरुकुल फैसेलिटी एकोमोडेशन लाने का क्या मतलब है क्योंकि ये स्परिचुअल है स्परिचुअल इसकी हेरिटेज है रिलीजन से रिलेटेड है इसलिए आप ये भी ऐड कर रहे हो क्रिएटिंग द टॉयलेट एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं सैनिटेशन से भी रिलेटेड है इसको आप लागू कर रहे हो इंस्टॉलिंग द स्ट्रीट लाइट्स फॉर सेफ्टी मुरॉल पेंटिंग्स टू इंक्रीजिंग द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ दैट प्लेस ये सारी चीज़ें आपने ली है, है ना क्यों ये किया जा रहा है क्योंकि देखिए अब उत्तराखंड है वहाँ पर टूरिज़्म एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ना एक बहुत की इंडस्ट्री है रेवेन्यू uh, के लिए और अगर ऑल इंडिया पे देखोगे तो भी टूरिज्म जो है ऑलमोस्ट आपका टेन अलेवन परसेंट ऑफ दैट जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है और लगभग बारह तेरह परसेंट ऑफ वर्कफोर्स को भी आपका सपोर्ट कर रहा है तो so, उस कॉन्टेक्स में टूरिज्म ओवरऑल भी इम्पॉर्टेंट है उत्तराखंड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिल टाउन है ठीक है चैलेंजिंग सिचुएशनस है जोग्राफिकल ऑब्स्टेकल वहाँ पर हैं तो उस कॉन्टेक्स में टूरिज़म एक अच्छा यहाँ पर ऑप्शन देता है और बेसिकली आप टूरिज़म देखोगे यहाँ पर तो दिस इज़ रिलेटेड टू रिलीजन एंड ऑल ये लोकेशन है आपके बद्रीनाथ का प्लीज़ हैव है लुक और अगर यहाँ पे डेवलप होता है तो ये पूरा एरिया जो है इस पर इम्पैक्ट होगा क्योंकि जनरली जो भी पिलग्रिम में हो रहा है तीर्थ यात्रा आपकी रहती है या पिलग्रिम्स आपके जाते हैं वो पूरे एरिया को यहाँ कवर कर रहे हैं एंड अभी जो आपके चमोली वाला डिज़ास्टर हुआ था है ना चमोली जो डिज़ास्टर आपने देखा था वहाँ पर क्या था वहाँ पर जो अलकनंदा वाली जो रिवर थी उसमें एक रिवर आके मिलती है धौली गंगा धौली गंगा धौली गंगा तो ये धौली गंगा के अंदर ये आपका हुआ था अभी रिसेंटली जो था चमोली वाले में जो डिज़ास्टर हुआ था जहाँ पे वो ग्लेशियर आपका बर्स्ट कर गया था तो ये धौली गंगा आके आपका अलकनंदा में अलकनंदा रिवर में यहाँ पे मीट होती है दोनों दो रिवर का जो कन्फ्लुएंस होता है मीटिंग पॉइंट होता है उसे हम जनरली प्रयाग कहते हैं प्रयाग वर्ड यूज़ किया जाता है तो ये दोनों जहाँ पर मिल रही है उसे विष्णु विष्णु प्रयाग कहते हैं क्लियर तो इसी तरह से जो अलकनंदा आपकी आ रही है मान लीजिए अलकनंदा रिवर है और इधर से आपकी भागीरथी आती है भागीरथी भागीरथी रिवर जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गोमुख इसका सोर्स माना जाता है और अलकनंदा यहाँ से आ रही है दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है कन्फ्लेंस यहाँ पे हो रहा है इसे हम देवप्रयाग कहते हैं देवप्रयाग क्लियर सो दिस इज़ ऑल ये थोड़ी चीज़ें हैं ध्यान रखना अभी और इसके अलावा आपका यू हैव दैट वैसे ये हमने कवर किया हुआ है ना ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं जब ये डिज़ास्टर हुआ था चमौली वाला डिटेल में हमने इन चीज़ों को कवर किया था सो so, फाइन <coughs> ये देखिए ये देव प्रयाग पे पर इन्होंने शो किया हुआ है दिस इज़ प्लेस जहाँ पे आपका भागीरथी और अलकनंदा मिल रही हैं सो दिस ऑल कुछ एम सी क्यू करते हैं आज ट्राई टू तो आंसर सम एम सी क्यूज आर देयर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईजी हैं बहुत ईजी एम सी क्यूज हैं क्योंकि रिसेंटली हमने सब टॉपिक डिस्कस किए हुए एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर सभी आंसर कीजिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे पूछा गया है कि ग्लोबल इनोवेशन जो पार्टनरशिप है ग्लोबल इनोवेशन जो पार्टनरशिप है जी आई पी जिसे कह रहे हैं उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट पूछे गए हैं ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं इंडिया एंड यू एस ए टू लॉन्च द ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप एंड दिस विल सपोर्ट इंडियन इनोवेटर्स टू स्केल अप देर इनोवेशन इन थर्ड कंट्रीज है ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो डेवलपिंग नेशन है मतलब वहाँ पे वो स्केल अपनी कर सकते हैं तो क्या होगा आंसर वट शुड बी द आंसर केवल दो ही बच्चों का आंसर आया अभी तक सी भी आ रहा है आंसर देखिए ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप अभी रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च किया है ना इंडिया यूके पार्टनरशिप हुई थी इंडिया और यूके के कॉन्टेक्स में तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया ठीक है क्योंकि इंडिया और यूके के बीच में इस पार्टनरशिप का मतलब क्या था इस पार्टनरशिप का ओवरऑल पर्पस यही था कि इंडिया की जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया के जो स्टार्टअप हैं ऐसी कंपनियां जो किसी नई इनोवेशन बेस्ड बेस्ड हैं तो उनको ये एक्सेस अवेलेबल कराएगा जो जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गया वहाँ पे ठीक है तो इस स्टार्टअप को सीडिंग देना मतलब फंड uh, देना और भी जो टेक्निकल सपोर्ट है ये सब चीज़ सो आंसर वुड बी 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 वुड बी द राइट आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज यहाँ पर यू एस की जगह यूके होगा सेकेंड हम मूव करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द स्पेशल थ्री जीरो वन रिपोर्ट स्पेशल थ्री जीरो वन रिपोर्ट की बात हो रही है फर्स्ट स्टेटमेंट है कौन रिलीज कर रहा है यूरोपियन ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इसे रिलीज कर रहे हैं और ये बेसिकली क्या कर रहा है ऐसे कंट्रीज़ को लिस्ट कर रहा है दैट डो नॉट प्रोवाइड द सफ़िशिएंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन टू यूरोपियन कंपनीज ठीक है मतलब ऐसी ऐसे कंट्रीज जो कि आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं उनको इस रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है व्हाट शुड बी द आंसर बी क्या आंसर होगा इसका स्पेशल थ्री जीरो वन रिपोर्ट हमने डिस्कस किया हुआ है व्हाट शुड बी द आंसर कुछ बच्चे कह रहे हैं सी स्पेशल 301 रिपोर्ट रिलीज की जाती है यू के द्वारा यू यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इसे रिलीज करता है स्पेशल 301 एक लॉ है यू का एक लॉ है जिसके अंडर में इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है इसलिए इसका नाम है स्पेशल रिपोर्ट 301 इसमें क्या मेंशन होता है ऐसे कंट्रीज जो यू की कंपनियों के लिए ठीक है ना गेटिंग दिस सो द आंसर वुड बी डी डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा यूरोपियन कंपनीज नॉट नेसेसरली यहाँ पे यूएस एस पी मैंशन है ठीक है तो आंसर वुड बी डी डी वुड बी द राइट आंसर बोथ कैसे होगा आपका क्लियर है यूएस क्यों इस रिपोर्ट को लाता है यूएस कहता है कि यार जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमने इतना इन्वेस्ट किया है बिलियस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करके कोई नई इनोवेशन होती है इन्वेंशन होती है और उसको अगर कोई चुरा लेता है और मान लीजिए कोई नई वैक्सीन बनी अभी वैक्सीन पर चल रहा है तो फाइज़र ने मान लो वैक्सीन बनाया इतना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है पूरे एफर्ट्स से उनके और कोई एक्स वाई जेड कंपनी बनाने लग जाती है मार्केट में भेजने लग जाती है तो फिर नेक्स्ट टाइम पे कौन यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा उस रिसर्च में अगर उसको रिटर्न ही नहीं मिल रहा है सो वाई द कंपनीज वुड इन्वेस्ट फाइन नेक्स्ट है पुटोला नाच पुटोला नाच के ऊपर कुछ स्टेटमेंट है रीड द स्टेटमेंट केयरफुली पुटोला नाच इज यूज टू परफॉर्म सीन्स फ्राम एपिक्स सच एज रामायण एंड महाभारत क्या ये आपके रामायण महाभारत से आपके सीन लेता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ नहीं किए जाते हैं दो स्टेटमेंट आपको दिए जा रहे हैं पुटोला नाच सी आंसर आ रहा है ऑल काइंड ऑफ आंसर सर कमिंग बी भी आ रहा है ओके okay. सो so, जिस तरह से रेस्पॉस आ रहे हैं इट मीन्स यू आर हैविंग नो आइडिया अबाउट दिस पुटोला नाच पुटोला नाच की जो थीम है डेफिनेटली इंडियन माइथोलॉजी से इंस्पायर है रामायण महाभारत से इंस्पायर है और इसके अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं यूज़ किए जाते हैं तो आंसर आपका क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट तो गलत है तो आंसर क्या हो जाएगा वन ओनली ए इज़ द राइट आंसर ए इज़ द राइट आंसर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं टोला नाच रिमेंस पॉपुलर इन द आसाम ओके आसाम और ये जो एरिया है यहाँ पे आपका पॉपुलर है थीम्स रामायण महाभारत से इसकी हैं एंड पपेट्री है एक तरह की क्लियर ट्रेडिशनल थिएटर है पपेट्री यहाँ पर होती है जिसे कई जगह पे कठपुतली भी कह देते हैं और ये जो है कठपुतली में आपका वुड से बना होता है ये टेराकोटा से बने हुए हैं बैम्बू का यूज़ किया जा रहा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ यहाँ पे किए जा रहे हैं ऑल काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर क्लियर सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड सेंटर कॉन्ट्रीब्यूट फिफ्टी परसेंट ऑफ द एस डी आर एफ एलोकेशन फॉर जनरल कैटेगरी स्टेट मतलब जो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या इसमें स्टेट फिफ्टी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है मतलब सौ रुपए अगर इस फंड में जाते हैं तो पचास रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है यस और नो लुक ना तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर यू सीरियस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर में इसको बना रखा है तो इंस्टीट्यूटरी तो हो सकता है आप कह सकते हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे कह दोगे क्लियर तो ये स्टेटमेंट सही कैसे हो गया ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर में बना हुआ है और यहाँ पे अभी हमने कल परसों ही देखा था कि सेवेंटी फाइव परसेंट तक कॉन्ट्रीब्यूशन आपका रहता है एक मिनट एक मिनट चेक करते हैं इसे कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है वट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन थिंग फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा है सेंटर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग फिफ्टी परसेंट से आपका ज़्यादा रहेगा क्लियर तो so, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है और सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी फिफ्टी परसेंट नहीं है नेक्स्ट आते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द अर्थ एक्सिस शिफ्ट या कहिए शिफ्टिंग ऑफ अर्थ एक्सिस अर्थ का जो एक्सिस है वो शिफ्ट हो रहा है तो उसके बारे में कुछ आपसे स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके बारे में आंसर मांगा जा रहा है क्या ग्लेशियर के मेल्ट होने से अर्थ की जो है पोल्स मूव कर रहे हैं हैंज काज द अर्थ पोल टू मूव क्या ग्लेशियर मेल्ट होने से अर्थ के पोल मूव करने लग गए अर्थ का एक्सिस क्या है ये जो एक्सिस है ओके यू हैव दिस एक्सिस जिसपे इसका रोटेशन चल रहा है यू आर सेग इज़ द राइट आंसर देखिए ये पूरा टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस किया था और इसमें क्या हो रहा है कि ग्लेशियर की जो मेल्टिंग हो रही है क्योंकि देखिए अर्थ का जो ये एक्सिस है ओके ये आपके नॉर्थ पोल हो गया ये आपका साउथ पोल है तो ये एक्सिस शिफ्ट होने से आपके पोल्स भी शिफ्ट हो रहे हैं है ना ये पूरी उसके अंदर न्यूज़ आई थी और उसमें क्या है क्योंकि अर्थ की एक्सिस किस पे डिपेंड होता है कि अर्थ के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का है ना मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर डिपेंड करता है अर्थ का एक्सिस रोटेशनल एक्सिस तो जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है ग्लेशियर आपके मेल्ट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का इतना हम एक्सट्रक्शन कर रहे हैं तो एक्सिस आपकी शिफ्ट हो रही है सिंस एक्सिस एंड आपके ये जो पोल्स हैं दोनों रिलेटेड हैं एक्सिस शिफ्ट हो रहा है तो अर्थ के पोल भी मूव कर रहे हैं जिसे हमने कहा था पोलर वांडर पोलर ड्रिफ्ट उसे हमने फिनोमिना कहा था पॉलर वॉन्डरिंग हो रही है पॉलर पोल्स आपके ड्रिफ्ट कर रहे हैं मूव कर रहे हैं ये आपका देखा गया था ग्रेस मिशन और ग्रेस मिशन इसरो का मिशन नहीं है नासा का मिशन है ठीक है तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा इसरो की वजह से और फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा ए इज द राइट आंसर फ़ाइन ये पूरा आपका इश्यू डिस्कस किया हुआ है जिन बच्चों को नहीं पता है वो मॉर्निंग वाला जो आपका सेशन होता है सेवन फिफ्टीन एम पे जहाँ पे हम हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस कर रहे हैं उसमें हमने डिस्कस किया था प्लीज टेल द डेट डेट कौन सा था आप बता सकते हैं आई थिंक वन और टू एक या दो तारीख का आपका है सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ़ाइन और ये जो आपके सेशन हैं क्रैक प्रॉब्लम्स एम सी क्यू सीरीज ये आपकी क्लास होती है है ना इसमें इसी तरह से हम एम सी क्यू करते हैं तो टुमारो यू विल बी हैविंग दिस क्लास ये जो क्रैक प्रॉब्लम्स एम सी क्यू सीरीज क्लास है यहाँ पे मैंने इसका लिंक अभी शेयर कर दूंगा और कल इसकी क्लास होगी पाँच बजे और छः बजे बैक टू बैक दो सेशन होंगे पार्ट थ्री पार्ट फोर टमारो विल बी डूइंग दीज क्लासेस ये आपकी फ्री क्लास है लिंक यहाँ पे है लिंक पे क्लिक करके आप एनरोल कर लीजिएगा इफ़ इट रिक्वायर्स द कोड यूज़ द कोड आर बी लाइक जो नए बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं हर संडे को आपका ग्यारह बजे होता है इसी तरह से आप टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट ले सकते हो दिस इज ऑल फॉर टूडे ऑल ऑफ यू